हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रोम्फेंथस के बारे में। ये मेडिसिन ज़्यादातर हार्ट पे, किडनी पे, स्किन के प्रॉब्लम के लिए, एनीमिया में और अल्कोहल की हैबिट, जो क्रेविंग होता है, उसको मॉडिफाई करने में यूज़ होता है। स्ट्रोम्फेंथस ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ज़्यादातर ये प्लांट अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में इसका हार्वेस्टिंग दो रीजन से होता है। पहला, उसका यूज़ एरो पॉइजन के हिसाब से होता है। एरो पॉइजन मतलब क्या कि हंटिंग के लिए एरो पे इसका पॉइजन लगा देते थे और वो हंट करते थे ताकि वो पॉइजन जो भी जहाँ भी हंट करना है वो एनिमल्स पे कि कहीं पर भी उसकी इफ़ेक्ट दिखाई दे। और दूसरा यूज़ इसका, ये लोग हार्वेस्टिंग इसलिए करते थे ताकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को मेडिसिन बनाने के लिए बेच सके। अब होम्योपैथी में भी ये सबसे ज़्यादा हार्ट के टॉनिक के हिसाब से यूज़ होता है। हार्ट के मसल वीक होते हैं तो क्या होता है, कार्डियक ब्रीदिंग होता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ, डिस्पनिया बोलते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। और ये मेडिसिन हार्ट के मसल को टोन करता है, इसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है। यूजुअली क्या होता है, जो हार्ट के डिजीज़ होते हैं उसमें हार्ट का पंपिंग बहुत कम हो जाता है, जो EF रेट बोलते हैं वो काफ़ी लो आ जाता है, यूजुअली 50 चाहिए इजेक्यूशन फ्रैक्शन रेट। लेकिन ओल्ड एज में या हार्ट के प्रॉब्लम में ये रेट काफ़ी कम हो जाता है, मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो जो बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, हार्ट अपना पंपिंग नहीं करता है तो बॉडी में से फ्लूइड बाहर नहीं निकलता है, तो फ्लूइड बॉडी में जमा रहता है तो सूजन आ जाती है। पैरों में आप देखोगे तो इडिमा हो जाएगा, पेट पर इडिमा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हार्ट की वजह से जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो या तो पल्स रेट, पल्स में क्या होता है, कभी रैपिड हो जाएगा कभी स्लो हो जाएगा, इरेगुलर पल्स और वेरी स्लो पल्स में आप ये स्ट्रोम्फेंथस यूज़ कर सकते हैं। ये देने से क्या होगा कि हार्ट के मसल्स को टोनअप होगा, हार्ट के पंपिंग अच्छा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, तो जो बॉडी में से फ्लूइड है वो फ्लूइड बाहर जाएगा तो यूरिन बढ़ेगा और साथ में उसकी वजह से पल्स रेट रेगुलर हो जाएंगे। और जो इडिमा है, बॉडी में से फ्लूइड कम होगा तो इडिमा कम हो गया, और इडिमा कम होगा मतलब स्वेलिंग कम होगा, फ्लूइड कम होगा तो हार्ट को कम पंप करना पड़ेगा, हार्ट पर कम प्रेशर आएगा। हार्ट से पंपिंग कम होता है तो जो ब्लड फ्लो है वो सिर पे कम पहुंचता है, मतलब वो ज़्यादातर दूर के पोर्शन में कम उसका फ्लो जाता है, तो वहाँ ब्लड फ्लो कम पहुंचता है, उसकी वजह से सिर में ओल्ड एज के लोगों को चक्कर आते हैं, उसमें भी ये स्ट्रोम्फेंथस आप कर सकते हो। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस मतलब जो आर्टरी है, ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स, वो ठीक हो जाती है, इसको आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसमें भी स्ट्रोम्फेंथस अच्छे से काम करती है। अब हार्ट क्यों खराब होता है, तो स्ट्रोम्फेंथस का मेन इंडिकेशन ये है कि फंक्शनल डिस्टर्बेंस ड्यू टू अल्कोहल, टी एंड टोबेको, इसकी वजह से अगर आपका हार्ट खराब हुआ हो तो आप स्ट्रोम्फेंथस बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में भी एनीमिक कंडीशन में स्ट्रोम्फेंथस अच्छा काम करती है। उसका और एक्शन है किडनी पे। किडनी पे क्या होगा कि नेफ्राइटिस, जो किडनी का डिजीज़ है जिसमें जो फिल्ट्रेशन जो होता है फिल्टर, वो खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ड्रॉपसी NSR का जिसको बोलते हैं, ये सारी कंडीशन में ये हार्ट पे जैसे काम करके फ़ायदा करते हैं, वैसे किडनी में भी, किडनी के नेफ्राइटिस डिजीज़ में भी बहुत अच्छे से यूज़ होती है। स्किन के प्रॉब्लम में, हाइज में, मतलब अटीक एरिया में उसका अच्छा इंडिकेशन है। और
ये दवाई अल्कोहल के जो क्रेविंग होता है उसको कम करने में यूज़ होता है। मतलब इसका है मदर टिंक्चर के कुछ ड्रॉप्स आप पेशेंट को दो तो उसका क्रेविंग कम होता है। अब वाल्वुलर डिजीज़ मतलब हार्ट के वाल के डिजीज़ में भी काम आते हैं। तो बहुत सारे मेनली हार्ट फंक्शन के लिए, हार्ट को टोनअप करने के लिए, हार्ट के मसल्स को टोनअप करने के लिए, हार्ट के मसल वीक हो गए हैं तो आप स्ट्रोपेंथस यूज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब रही बात पोटेंसी की, कौन सी पोटेंसी में दी जाती है। कहीं कुछ जो होम्योपैथ है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि मदर टिंचर फॉर्म में, क्यू फॉर्म में 10-10 बूंद 3 बार दिया जाए, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हार्ट हार्ट के मसल्स होते हैं वो थोड़े नाजुक होते हैं तो उसको क्यू फॉर्म में नहीं देते हुए आप उसको 1x या 2x या 3x पोटेंसी में दीजिए। तो इन शॉर्ट लोअर पोटेंसी में ये दवाई दी जाती है। अगर मदर टिंचर में दिया तो 10-10 ड्रॉप 3 बार दे सकते हैं, और अगर आपने 1x ट्रोपेंथस 1x या ट्रोपेंथस 2x या 3x में दिया तो एक एक गोली 3 बार दे सकते हैं। तो ये सारी बातें थी स्टोफेंथस के बारे में। एज ए हार्ट टॉनिक आप ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। और भी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, डिजिटालिस है, एफोसाइनम है, और भी काफ़ी मेडिसिन है जो एडोनिस वर्नालिस है जो हार्ट के प्रॉब्लम में अच्छे से काम करती है। तो और वीडियो में हम दूसरी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।